हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। वेलकम टू द पार्ट 12 ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 11 में हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल के बारे में बताया था। इसके आगे हम आगे चलते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होने वाला है इस पार्ट में, और पीछे भी स्टार्ट हो चुका है, जो एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास है। ये सारी टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कैलकुलेशंस में। तो नेक्स्ट टर्म आती है आपके पास फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कुछ नहीं है, जैसे आपने मॉलिक्यूलर मास ऐड कैलकुलेट किया था वही फॉर्मूला मास होता है। फॉर्मूला मास क्या होता है? द मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट विद रेस्पेक्ट टू द 1/12 ऑफ द वन एटम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, ये जो फॉर्मूला मास यूनिट होता है ये किसके लिए यूज होता है? ये होता है आयनिक कंपाउंड के लिए, जिसमें एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है, एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। तो हम उसको मोलर मास ना कहकर क्या बोल देते हैं? हम फॉर्मूला मास बोल देते हैं। जैसे NaCl के लिए क्या हो जाएगा? Na का 23, Cl का 35.5, दोनों को ऐड जोड़ेंगे तो 58.5। तो 58.5 NaCl का क्या हो गया? फॉर्मूला मास हो गया। ठीक है, फॉर्मूला मास की यूनिट भी सेम होती है जैसे मॉलिकुलर मास होती है। मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला मास जस्ट लाइक मॉलिकुलर मास। ठीक है, यूनिट भी सेम होती है, लेकिन ये किसके लिए यूज़ होता है? आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक थ्री डायमेंशनल क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलते हैं, तो उसमें बहुत सारी यूनिट जुड़ी हुई होती है, तो हमें सिर्फ एक यूनिट का बताना होता है, तो इसलिए हम इसको फॉर्मूला मास बोल देते हैं। अब हमारे पास आता है मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट किसने दिया था? मोल कंसेप्ट अमेडियो एवोगैड्रो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। तो आपको पता है कि जैसे एक दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं, एक रिम के अंदर 480 चीज़ें होती हैं, एक ग्रोस के अंदर 144 चीज़ें होती हैं, उसी तरीके से एवोगैड्रो ने बताया कि 1 मोल के अंदर 6.022×10³ पार्टिकल्स होते हैं। अगर किसी भी चीज़ का आपके पास 1 मोल है, तो इसका मतलब है आपके पास 6.022×10³ पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल्स में आपके क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट आता है तो एटम्स, अगर कोई आयन आता है तो नंबर ऑफ आयंस हो गए, अगर कोई कंपाउंड आता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, तो 6.022×10³ को हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, और उसको हम एन ए या एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 6.022×10³। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं 1 मोल क्या होता है। 1 मोल वो होता है जिसमें किसी भी चीज़ में एन नोट पार्टिकल होते हैं, मीन्स 6.022×10³ पार्टिकल्स होते हैं। आया समझ में? एन नोट या और एन एन नॉट या एन ए की यूनिट क्या होती है? पार्टिकल्स पर मोल। जैसे पार्टिकल्स में एटम है तो एटम पर मोल, मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल पर मोल। ठीक है, पर मोल होती है, 1 मोल में इतने पार्टिकल। ठीक है, ये किसकी यूनिट हो गई? एवोगैड्रो कॉन्स्टेंट या एवोगैड्रो नंबर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे मास के फॉर्म में। जैसे अगर हम बात करें 1 मोल सोडियम का क्या मतलब है, तो 1 मोल सोडियम का मतलब ये हो गया कि आपके पास 6.022×10³ एटम्स हैं, और 1 मोल अमोनिया का मतलब हो गया 6.022×10³ मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, किसके? अमोनिया के। ठीक है, इन टर्म ऑफ मास। इन टर्म ऑफ मास में ये कहता है कि किसी भी सब्सटेंस का वो मास इन ग्राम जिसके अंदर 6.022×10³ पार्टिकल्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? 1 मोल बोलते हैं। आए समझ में? मीन्स मतलब किसी भी सब्सटेंस का वो मास इन ग्राम जिसके अंदर एन नोट पार्टिकल्स होते हैं, उस मास को हम 1 मोल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला 1 मोल Na, तो 1 मोल Na में 6.022×10³ एटम्स हैं, और उसका मास कितना हो गया? 23 ग्राम हो गया। तो 1 मोल सोडियम के अंदर कितना मास होता है? 23 ग्राम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 मोल H2। तो 1 मोल H2 के क्या मतलब हुआ कि 1 मोल में 6.022×10³
मॉलिक्यूल्स हो गए, और उसका मास कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया, ठीक है। और 1 मोल Al का मतलब एलुमिनियम में 6.022 × 10³ एटम्स हो गए, और उसका मास कितना हो गया, 27 ग्राम हो गया, ठीक है। और यहाँ पर द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन ग्राम इन 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास। अगर किसी भी सब्सटेंस का जो मास है, 1 मोल में जितना मास होता है उसका, उसको मोलर मास बोलते हैं, चाहे वो एलिमेंट हो या कंपाउंड हो। जैसे अगर हम बात करें सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 23 U होता है। लेकिन अगर उसको हमें 1 मोल की डेफिनेशन में बताना है तो इट इज़ मोलर मास की फॉर्म में बताना है तो इट इज़ 23 ग्राम पर मोल। मतलब सोडियम का जो मास है 1 मोल में 23 ग्राम हो गया, ठीक है। तो अब आपके पास एटॉमिक मास की 3 यूनिट होगी, AMU, U एंड ग्राम पर मोल, ठीक है। आया समझ में? सॉरी तो मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ एनी सब्सटेंस इन 1 मोल इज कॉल्ड मोलर मास, ठीक है। मोलर मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर मोल, ठीक है। मास इन ग्राम इन पर मोल, ठीक है। तो उसी तरीके से NaCl, NaCl का मोलर मास कितना हो गया, 58.5 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो 58.5 ग्राम पर मोल का मतलब ये है कि 1 मोल NaCl में 58.5 ग्राम NaCl होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की, हम अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय पुटिंग द फॉर्मूला। तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है आपका पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो हमने 1 लिखा है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, मोल्स इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम या मॉलिक्यूल्स अपॉन एन नोट या Na, 6.022 × 10³। जब भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं उसको आप एन नोट से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपके पास दे रखा है I2 के 1.0 × 10²² मॉलिक्यूल्स है और आपसे क्या पूछा है, मोल्स पूछा है, तो मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। आपने रख 1.0 × 10²² अपॉन 6.022 × 10²³ से डिवाइड किया एंड यू विल गेट 0.0166 मोल्स, ठीक है। मोल्स में जब आप यूनिट लिखते हैं तो MOL लिखते हैं, ठीक है, और जब आप उसको लाइन में लिखते हैं तो मतलब जहाँ पे स्टेटमेंट में लिखना है मोल तो MOL ही लिखेंगे, और यूनिट में हमेशा MOL लिखते हैं, ठीक है। अब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलुमिनियम इन 2.5 मोल। एलुमिनियम के 2.5 मोल में कितने एटम होते हैं, तो आपको पता है मोल्स इंटू नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इंटू Na। तो जितने आपके मोल्स गिवन है उसमें आप सिर्फ Na की मल्टीप्लाई करा दीजिए एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ एटम्स, 2.5 × 6.022 × 10³। इसको हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से एंड यू विल गेट 1.5055 × 10²² एटम्स ऑफ Al, ठीक है। अब आपके पास सेकेंड फॉर्मूला आता है, मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ठीक है। आपको मास दे रखा है किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट के, मोलर मास से उसको डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स। जैसे आपको दे रखा है 13.5 ग्राम Al दे रखा है, तो 13.5 ग्राम Al में आपको क्या निकालना है, मोल्स निकालने हैं। तो एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27 ग्राम पर मोल, तो मास बाय मोलर मास, तो मास हो गया 13.5 और मोलर मास हो गया 27, तो 13.5 को हमने 27 से डिवाइड कर दिया एंड यू विल गेट द मोल्स इज इक्वल टू 0.5 मोल, ठीक है। आगे समझ में? इसके बाद बेसिकली हम यहाँ पर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे हमने 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम एटम पढ़ा था, तो जहाँ पर भी अगर आपको 1 ग्राम मॉलिक्यूल दिया हुआ होता है तो इसका मतलब है वो 1 मोल दिया हुआ है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल दे रखा है तो 2 मोल दे रखा है, 1 ग्राम एटम का मतलब 1 मोल हो गया। उसी तरीके से मतलब 1 ग्राम एटम और 1 ग्राम मॉलिक्यूल हम तब यूज़ करते थे जब मोल्स नहीं आए थे, ठीक है। जब से मोल यूनिट आई है ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन आज भी ये दोनों यूनिट बहुत कंपटीशन में कभी कभी दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल और 1 ग्राम एटम सिंपली क्या है, वो मोल्स ही है, ठीक है।
वन ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1 मोल, 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, आगे समझ में। अब हम जो दो फॉर्मूले हमने यूज़ किए हैं, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एन नॉट और मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। अब इन दोनों मोल फॉर्मूले को हम कंबाइनली यूज़ करेंगे। जैसे आपको दे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 46 ग्राम सोडियम। ठीक है, सोडियम के 46 ग्राम में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास बाय मोलर मास। मास 46, मोलर मास 23, इट विल गिव 2 मोल्स। और नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इंटू एन ए। तो मोल्स कितने हो गए, 2, और एन ए की वैल्यू हो गई 6.0222×10^23, एंड यू विल गेट 1.2044×10^24 एटम्स। ठीक है, आगे समझ में। अब हम बात करते हैं, अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल से टोटल नंबर ऑफ एटम या किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स आपको निकालने हैं किसी भी गिवन फॉर कंपाउंड के अंदर। जैसे आपके पास क्या है, ग्लूकोज है, 90 ग्राम ग्लूकोज है, तो इसमें आपको मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, एटम्स ऑफ कार्बन, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपको कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पर आप इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मोल्स निकालेंगे। मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका, 180। मास कितना है, 90। तो 90/180 इज इक्वल टू 0.05 मोल्स आ गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इंटू एन एट। तो मोल्स 0.5×N₀ की वैल्यू 6.0×10^23, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 3.0 11×10^3 मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, अब हम निकालने इसमें टोटल एटम्स। तो टोटल एटम्स निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी क्या होती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। तो C6H12O6 में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 6 + 12 + 6 इज इक्वल टू 24। तो टोटल एटम इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी हमारे होगी 24, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके आए थे 3.0 11×10^23। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 7.22×64×10^24 एटम्स। तो टोटल एटम्स 90 ग्राम शुगर के अंदर टोटल एटम कितने हो गए, टोटल एटम का मतलब है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टोटल मिला के। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के अलग, कार्बन के अलग और ऑक्सीजन के अलग अलग निकालेंगे। तो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के एटम्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे कितने आए थे, 3.0 11×10^23। अब हमने इसको 12 से किया तो क्या आएगा, 3.632×10^24। ठीक है, कार्बन के एटम कितने हो गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटू 6, क्योंकि 6 एटम है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1.866×10^24 हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन के एटम कितने हो जाएंगे, 3.011×10^23×6 इज इक्वल टू 1.86×10^24 एटम्स। तो आपने दो चीज़ें सीखी, एक तो मास से मोल्स निकालना, या मास से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल्स निकालना, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आप अब मास भी निकाल सकते हैं। तो यू हैव टू डू एटलीस्ट 10 न्यूमेरिकल्स ऑन बोथ द फॉर्मूलाज एंड यू विल गेट ऑल द आइडियाज अबाउट द मोल कंसेप्ट। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट अबाउट द मोल कंसेप्ट, कि इसमें क्या और हो सकता है। ठीक है, बाकी और भी फॉर्मूले हैं इसमें, और भी कन्वर्जन है, हम और भी आपको फॉर्मूले और न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसमें ये हमारा मोल कंसेप्ट फिर कंप्लीट हो जाएगा। मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले बहुत जगह यूज़ होते हैं, जितनी भी केमिकल कैलकुलेशंस होती हैं उन सभी में मोल कंसेप्ट यूज़ होता है। तो मोल कंसेप्ट अगर आपका वीक रहा, एंड यू विल बिकम वीक इन ऑल द न्यूमेरिकल्स, तो आप पूरी मेहनत करिए इसमें और पूरा जोर लगा दीजिए ताकि आप मोल कंसेप्ट को अच्छे से समझ सके। आपका जो भी डाउट है हमें, आप हमसे पूछिए। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसमें अभी आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए। यू विल नेवर नो हाउ टू डिटेक्ट द कोरोना वायरस और एनीथिंग। ठीक है,
तो आप घर पर रहकर अच्छे से पढ़ते रहिए. यू हैव पेनल्टी ऑफ टाइम टू लर्न द थिंग्स वेरी इजिली एंड इन ए ब्रॉडर वे. ठीक है, तो स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.